आज गैस हम लोग क्लास 11 के लिए चैप्टर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पूरी एक्सरसाइज जीपी पे डिपेंड है। इसके पहले 9.1 और 9.2 हम लोग प्रीवियस वीडियो में सब देख चुके हैं, सभी क्लियरली सॉल्व हो चुकी हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो आज 9.3 जो हम कर रहे हैं वो पूरी जीपी पे बेस्ड है। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लियर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8। ये हमको जीपी गिवन है, इसका हमें 20th टर्म और nth टर्म फाइंड करना है। बात क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन नोट करते हैं, गिवन हमको क्या क्या क्वेश्चन में है। गिवन देखिए, इस पूरी सीरीज का हमको फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5/2 गिवन है, 5/2 हो गया। अच्छा, जीपी में हमको क्या चाहिए होता है, कॉमन रेशियो। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में कॉमन रेशियो चाहिए होता है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा देखते हैं। कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है A2/A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो A2 क्या है, 5/4 है अपॉन में, A1 क्या है, 5/2 है, 5/2, क्लियर है। तो यहां से देखिए, अपॉन के अपॉन है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/4 इंटू ये 5/2 का जब रेसिप्रोकल होगा 2/5 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। 5 से 5 कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। यहां से r की वैल्यू 1/2 निकल गई। बात सही ना, r की वैल्यू 1/2 हो गई। अब हमको 20th टर्म चाहिए ना, तो यहां से लिखेंगे 20th टर्म A20 is equal to, हमको ये फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले यहां लिखेंगे, सिंस वी नो दैट हमारे लिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है फॉर जीपी, देखते हैं। An is equal to A r की पावर n-1, ये होता है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है An is equal to A r की पावर n-1, क्लियर है। अब यहां पे जो हमें 20th टर्म चाहिए, तो उसके लिए n की वैल्यू 20 हो जाएगी। a की वैल्यू हमको ये गिवन है, r की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है। यहां सब कुछ निकल जाएगा जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया हो, क्लियर है ना। तो देखते हैं, A20 is equal to, हमको 20th टर्म चाहिए। A20 is equal to, a की वैल्यू क्या है, 5/2 है, तो 5/2 रखिए। इंटू आर की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 रखिए। कि होल पावर n माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है, 20 है भाई, an है तो ये 20 है, 20-1। बात क्लियर है ना। तो यहां से A20 की वैल्यू निकलेगी 5/2 इंटू ये 1/2 है, 20 से 1 को सबट्रैक्ट करें 19 आएगा, तो 1 की पावर 19 तो 1 ही रहता है, अपॉन में 2 की पावर भी 19 ही रहेगा, क्लियर है। अब देखिए 2 की पावर 1 है, यहां पे ये देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 19। मल्टीप्लिकेशन में बेस इक्वल होने पे पावर ऐड होती है, तो ये A20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A20 is equal to 5/2 की पावर 20। बात क्लियर है ना, यही हमारा 20th टर्म है। बात सही ना। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन में nth टर्म भी पूछा गया, तो nth टर्म निकालते हैं, देखते हैं। नाउ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, An is equal to A r की पावर n-1, क्लियर है। ए की वैल्यू हमने अभी देखी सीरीज में, हमको गिवन थी 5/2, तो ए की वैल्यू 5/2 रख देंगे। इंटू आर की वैल्यू अभी ये देखिए 1/2 हमने निकाली है, तो 1/2 ही रहेगा,
की होल पावर, अच्छा nth टर्म ही पूछा तो n की वैल्यू n माइनस वन ही रही, क्लियर है ना। अब देखिएगा 5 अपॉन ये 2 की पावर 1 ही तो लिखा हुआ, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, इनटू 1 की पावर n माइनस 1, 1 ही रहता है, अपॉन में ये 2 की पावर n माइनस 1 ऐसे ही नोट हो जाएगा, क्लियर है ना बात। अब यहां से देखते हैं, ये बेस में देखिए बेस इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर ये तो 1 है प्लस n माइनस 1 ये ऐड हो जाएगा प्लस n माइनस 1, क्लियर ना। प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो ये क्या आ गया, an की वैल्यू क्या आ गई, an इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 की पावर n, क्लियर है ना, 2 की पावर n, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना बस। अब गैस हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज एयर टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जीपी का 12th टर्म हमको फाइंड करना है जिसका एयर टर्म 192 हमको गिवन है और कॉमन रेशियो भी गिवन है, क्लियर है। तो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग गिवन नोट करते हैं, गिवन इसमें क्या क्या है, क्लियर है ना। गिवन में देखिएगा हुज एयर टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो क्या होता है, आर होता ना, तो ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2 एंड एयर टर्म इज 192, एयर टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A8 से इज इक्वल टू 192 हमको गिवन है। तो हमें चाहिए क्या है, 12th टर्म चाहिए, 12th टर्म का मतलब A12 हमको फाइंड करना है, A12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करके दिखाना है, क्लियर है। जो क्वेश्चन में गिवन होता है उससे कुछ ना कुछ निकलता है, बात क्लियर है ना। ये क्वेश्चन में एयर्थ टर्म ही तो गिवन है, तो एयर्थ टर्म का हम लोग फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, वहां से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, किसी एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले an का फार्मूला क्या होता है, मिस nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1, यही तो फार्मूला an के लिए होता है। अच्छा हमको एयर्थ टर्म के लिए चाहिए तो n की जगह पे 8 पुट कर दीजिए, तो a8 इज इक्वल टू ar की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा, क्यों, हमें a8 के लिए एक्सपेंड करना है ना, तो a8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ar की पावर 7 हो जाएगा ना, बात क्लियर है। तो यहां से a8 को हम लोग ar की पावर 7 लिख सकते हैं, ये देखिए इस प्रोसेस से, बात क्लियर है ना। तो a8 को हम लोग ar की पावर 7 लिख देंगे इज इक्वल टू 192 एज इट इज, मैंने नोट कर लिया हुआ, क्लियर है। यहां मैं nth टर्म का फार्मूला भी लिख देता हूं, nth टर्म an इज इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1, क्लियर है ना। तो a की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, a की वैल्यू a ही रखिए, r की वैल्यू 2 है ना, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 192 एज इट इज है। 2 की पावर 7 एक्सपेंड मत करिएगा, इसकी वैल्यू मत पुट करिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, a इज इक्वल टू 192, ये 2 की पावर 7 a के मल्टीप्लिकेशन में इक्वल को उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा 2 की पावर 7, बात क्लियर है। यहां से देखिए a की वैल्यू निकल गई, अब a पता है और r पता है, हम सब कुछ निकाल देंगे रिलेटेड टू जीपी, क्लियर है ना। अब देखते हैं यहां से ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, हमें 12th टर्म ही तो चाहिए, 12th टर्म A12 इज इक्वल टू nth टर्म के लिए फार्मूला AR की पावर n माइनस 1 होता है, तो हमें 12th टर्म के लिए चाहिए, तो इस फार्मूले में जहां जहां n है वहां वहां 12 पुट कर दें, क्लियर है। तो AR की पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, AR की पावर 12 माइनस 1, A की वैल्यू ये देखिए मैंने अभी निकाल के रखी है 192 अपॉन में 2 की पावर 7 इंटू
r की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ही 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब यहां से देखते हैं कि 192 तो ऐसे ही है, अब इंटू 2 की पावर 11 मैंने ऐसे नोट कर लिया, अपॉन में 2 की पावर 7 है, अगर इसको ऊपर ले गया तो 2 की पावर माइनस 7 हो जाएगा ना। बात क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैथमेटिक्स में अगर बेस इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, ये होता है ना। तो यहाँ से 812 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 192 तो ऐसे ही रहेगा इंटू 2 की पावर 11 में प्लस का 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 7, तो यहाँ से 812 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 192 इंटू 2 की पावर 11 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो गया इन टर्म ऑफ 4, या फिर आप 2 की पावर 4 की वैल्यू रख दें और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करा दें, वो भी एक आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये भी हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, बात सही है ना। इसकी 2 की पावर 4 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, 812 इज इक्वल टू 192 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 × 4 × 8 × 16, क्लियर है ना। 2 × 4 × 8 × 16, अब 192 की मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ में करिए तो कितना आएगा देखते हैं, 3072, क्लियर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब सेकेंड के बाद में गैस हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, द फिफ्थ कॉमा एर्थ एंड इलेवंथ टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। इसका मतलब है कि एक जो जीपी है उसका फिफ्थ टर्म पी है और एयर्थ टर्म क्यू है और इलेवंथ टर्म एस है, तो हमको ये कंडीशन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस शो करके दिखानी है, क्लियर है ना। तो देखते हैं सबसे पहले सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम लोग गिवन नोट करते हैं, क्या है गिवन, गिवन में देखते हैं फिफ्थ टर्म की वैल्यू पी दे रखी है, फिफ्थ टर्म का मतलब है A5 इज इक्वल टू पी, क्लियर है ना। और फिर एयर्थ टर्म की वैल्यू क्यू दे रखी है, एयर्थ टर्म का मतलब A8 इज इक्वल टू क्यू, बात क्लियर है ना। अब यहां से देखते हैं इलेवंथ टर्म की वैल्यू हमको एस दे रखी है, मतलब कि A11 इज इक्वल टू एस, ये दे रखा है ना। अब इसके फार्मूले हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे देखते हैं। हमारा जीपी के लिए एंथ टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, क्लियर है। अगर हम लोग फिफ्थ टर्म के लिए फार्मूला एक्सपेंड करें तो n की जगह 5 रखिए, तो a5 इज इक्वल टू ए आर की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां से ए आर की पावर 4 बचेगा, क्लियर है ना। तो A8 के लिए ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं, n की जगह पे 8 रखिए तो क्या हो जाएगा, AR की पावर यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बात क्लियर है ना। मैं यहाँ पे पुट करते हुए चलता हूँ, A5 को इस तरीके से देखिए हम लोग क्या AR की पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हम लोग AR की पावर 4 इज इक्वल टू पी इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दी, क्लियर है। ऐसे ही A8 को देखिए, ये पूरा प्रोसेस ये फार्मूला मैंने अप्लाई करके AR की पावर 7 लिख सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे A8 की जगह पे AR की पावर 7 लिख दिया इज इक्वल टू Q इक्वेशन नंबर 1। और मैं साइड में nth टर्म का फार्मूला AN इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1 ये भी मैंने लिख दिया हुआ, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे A11 के लिए एक्सपेंड करना है तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में जहां जहां n है ना वहां वहां 11 रख दो, तो AR तो ऐसे रहेगा, 11 माइनस 1 10 बचेगा, मतलब AR की पावर 10 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, s दे रखा है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, बात क्लियर है ना। हमको शो करके दिखाना है q स्क्वायर इज इक्वल टू ps। जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या हम लोग इक्वेशन 3 को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं और इक्वेशन 2 को डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, तो वही करेंगे देखते हैं। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं
तो q अपॉन p हो जाएगा ना, q अपॉन p हो जाएगा इज इक्वल टू कि भाई आर एच एस हमने अपॉन में किया तो एल एच एस भी तो करना पड़ेगा ना, ए आर की पावर 7 अपॉन में ए आर की पावर 4। बात क्लियर है ना, a से a कट गया तो यहां से क्या आ जाएगा, q अपॉन p इज इक्वल टू आर की पावर 7 है ना, यहां नीचे आर की पावर 4 है, देखिए r की पावर 7 ऊपर है अपॉन में r की पावर 4 नीचे है। अगर इस r की पावर 4 को हम ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, r की पावर 7 इंटू आर की पावर माइनस 4। क्लियर है, क्यों, जब पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए बेस सेम होने पे मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होती है ना, तो r की पावर 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 4 हो जाएगा ना, तो r की पावर 7 प्लस माइनस माइनस 4, तो r की पावर 3 हो जाएगा, 7 से 4 गया 3 हो गया। बात क्लियर है ना, तो यहां पे मैं डायरेक्टली r की पावर 3 लेके लिखे दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर ए दे दिया। बात बिल्कुल क्लियर है, अब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 3 से 2 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 3 में s है तो s अपॉन q हो जाएगा ना, s अपॉन q हो जाएगा इज इक्वल टू एल एच एस में क्या है, ए आर की पावर 10 अपॉन में ये क्या है, ए आर की पावर 7। क्लियर है ना, a से a कट गया तो यहां से s अपॉन q इज इक्वल टू क्या जाएगा, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, r की पावर 10 लिखा हुआ है अपॉन में r की पावर 7 लिखा हुआ, क्लियर है, तो ये ऊपर जाएगा r की पावर 10 इंटू आर की पावर माइनस 7 हो जाएगा, और ये सब पावर सब्ट्रैक हो जाएंगी, r की पावर 3 बचेगा। बिल्कुल क्लियर है ना, तो यहाँ पे r की पावर 3 बच गया, इक्वेशन नंबर b हो गया। अब इक्वेशन a और b से देखिए, RHS इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल होंगी। बात क्लियर है ना, तो अब यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगी, तो क्या करेंगे, Q अपॉन P इज इक्वल टू एस अपॉन Q। क्लियर है ना, अब इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू P इंटू S क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। बात क्लियर है ना, यही हमको शो करके दिखाना था, ये देखिए यही हमको शो करके दिखाना था, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो चुका है। बात क्लियर ना, ओके गैस, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। अब गैस हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। इसका मतलब क्या है, जो जीपी का फोर्थ टर्म है वो अपने सेकेंड टर्म की स्क्वायर के बराबर है, तो फर्स्ट टर्म इसका -3 है तो सेवेंथ टर्म हमको इसका फाइंड करना है। क्लियर है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन में गिवन सबसे पहले नोट करिए, गिवन में सबसे पहले गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, इसकी वैल्यू है -3। क्लियर है, अब जो है डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, मतलब हमको सेवंथ टर्म फाइंड करना है, सेवंथ टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए सेवन से। क्लियर है, ए सेवन हमको फाइंड करना है। फिर उसके बाद में एक कंडीशन दी गई है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब कि फोर्थ टर्म जो जीपी का है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है, तो यहां से हम देखते हैं फोर्थ टर्म का मतलब ए फोर इज इक्वल टू, क्लियर है, इट्स सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, ए टू। ये कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, जो फोर्थ टर्म है
वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। ये बराबर है तो अगर हम लोग इस सेकेंड टर्म को स्क्वायर कर दें तब तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा ना, क्लियर है ना। अब यहां से हम लोग फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि इसका जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, यंथ टर्म का फार्मूला, यंथ टर्म के लिए ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर हम यहां फोर्थ टर्म के लिए ये फार्मूला एक्सपेंड करें तो ए फोर, एन की जगह फोर रख दीजिए, ए फोर इज इक्वल टू ए आर की पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू ए आर क्यूब हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो मैं इस ए फोर की जगह पे ए आर क्यूब पुट कर दिया, क्लियर है, इज इक्वल टू ये सेकेंड टर्म ए टू है। सेकेंड टर्म को अगर इसी फार्मूले में एन की जगह टू पुट कर दो सेकेंड टर्म हो जाएगा। देखते हैं, ए टू इज इक्वल टू ए आर की पावर टू माइनस वन, मतलब ए आर पावर वन, टू से वन गया वन, चाहे ए आर पावर वन लिखो चाहे ए आर लिखो बात तो वही है ना। तो यहां से ए आर हो जाएगा का होल स्क्वायर एज इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। बात क्लियर है। यहां से देखिए ए आर क्यूब इज इक्वल टू, यहां जब स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए एक ए से एक ए कट गया, अब यहां बच गया आर क्यूब इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब यहां पे थ्री टाइम आ रहा है, यहां पे टू टाइम आ रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू आर इंटू आर, ये थ्री टाइम मैंने ऐसे लिख दिया। इधर ए के मल्टीप्लीकेशन में टू टाइम आ रहा है, जब इक्वल को उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 2R से 2R कट गया, क्लियर है। तो यहां से A इज इक्वल टू R, यहां पे ये कंडीशन आ गई, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमको माइनस थ्री गिवन ही थी, तो यहां से R की वैल्यू भी माइनस थ्री ही हो जाएगी, तो R इज इक्वल टू माइनस थ्री। बात क्लियर है ना, बात पक्की है ना। अब हम लोग ATQ देखते हैं। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको सेवंथ टर्म फाइंड करना है ना, तो सेवंथ टर्म का मतलब ए सेवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। हमें सेवंथ टर्म चाहिए तो n की जगह सेवन पुट कर दीजिए, तो यहां पे जब सेवन पुट कर देंगे ए आर की पावर सेवन माइनस वन मतलब सिक्स, ए आर की पावर सिक्स हो जाएगा। बात क्लियर है। ए की वैल्यू माइनस थ्री हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और R की वैल्यू भी माइनस थ्री है, माइनस थ्री की पावर सिक्स हो गया। बात क्लियर है। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये भी माइनस थ्री है, ये भी माइनस थ्री है, इसकी पावर वन है, बेस इक्वल होने पे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो यहां से ए सेवन इज इक्वल टू माइनस थ्री की पावर सेवन हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके अलावा अगर हम इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं तो वो भी आंसर होगा, और करके उसको भी लिख देते हैं। ए सेवन इज इक्वल टू माइनस की पावर, जब ऑड होती है तो माइनस तो साइन होता ही होता है, इतनी बात सही है, क्यों, माइनस थ्री की पावर ऑड, सेवन ऑड ही तो होता है, तो वो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब थ्री की पावर सेवन जब आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो 2187 आएगा, क्लियर है। ये दोनों आंसर हमारे, चाहे आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों ही आंसर बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू।